है। तकनीकी जद्दोजहद के बाद अब ये कुछ हद तक मामला ठीक हो चुका है और मैं अपनी बात को रखना आरंभ कर रहा हूँ। अपनी बात को मैं रखना आरंभ करूँ इसके पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखना चाहता हूँ और इस कहानी के द्वारा ही इस मुद्दे को हम समझने का प्रयास करेंगे। ये कहानी किसकी है? ये कहानी आप ऐसे दो व्यक्तियों की मान सकते हैं कि जिनमें से एक यह दावा कर रहा है कि मैं बड़ा भाई हूँ और वह दूसरे को कह रहा है कि यह छोटे भाई हैं। तो ये बड़ा भाई और छोटा भाई का कॉम्बिनेशन किसी यात्रा पे जा रहे हैं। बड़ा भाई बाकायदे उसे कहता है छोटे भाई को कि कहीं तुम रास्ता भूल ना जाओ, कहीं तुम भटक ना जाओ, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। और वो बड़ा भाई छोटे भाई का हाथ पकड़ के चलना शुरू करता है। छोटा भाई सोचता है कि अच्छी बात है, ये मेरे बड़े भैया हैं और ये मुझे अपने साथ चलने के लिए कह रहे हैं, इनके साथ चलने में कोई हर्ज नहीं है। उसके दिमाग में एक वो बड़े का सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट रहता है कि बड़ा है तो बेहतर होगा, बड़ा है तो ठीक होगा। छोटा जब अपने बड़े भाई के साथ चलता है तो थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि मेरे भैया और भैया की परछाई तो दिख रही है, लेकिन मैं कहाँ हूँ, मेरी परछाई कहाँ है। वो सोचता है कि चलिए इस सवाल का जवाब मैं अपनी यात्रा में ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अपने भाई से पूछता है कि भैया आप और आपकी परछाई तो दिख रहे हैं, लेकिन मैं कहाँ हूँ। तो उसका भाई कहता है कि तुम बड़े नहीं हो, तुम अभी छोटे हो, इसलिए तुम्हारी परछाई दिख नहीं रही है, तुम्हारी परछाई अभी दिखेगी। छोटा अपने भाई की बात को सत्य मान लेता है और बड़े भाई के साथ चलता रहता है। कुछ और दूर चलने के बाद छोटा पूछता है कि भैया मेरी परछाई अभी भी क्यों नहीं दिखी। तो छोटा कहता है कि अब बड़ा कहता है कि मैं और बड़ा हो गया, मेरी परछाई इसलिए तुम्हारी परछाई नहीं दिख रही है। धीरे धीरे छोटा यह मानने लगता है कि जो बड़ा है वही बेहतर है, उसकी परछाई दिखेगी, वह मेरी रक्षा करेगा, वह मेरे साथ चलेगा। और ऐसी बातचीत के साथ छोटा लगातार बड़े की परछाई में ही रहता है। समय के साथ साथ छोटे के दिमाग में एक सवाल आता है कि मेरा अस्तित्व तो क्या है, मैं कहाँ हूँ और क्या मैं इस बड़े और बड़े की परछाई के लिए अभिशप्त हूँ। इस कहानी को मैं यहीं रोकता हूँ और कुछ सवाल आपके साथ छोड़ता हूँ कि यह बड़ा कौन है और छोटा कौन है। बड़े को किसने बताया कि वह बड़ा है, छोटे को किसने बताया कि वह छोटा है, और क्यों हमने यह तय कर दिया बड़े के साथ बड़े की छाया में बड़े की बात मान के रहना होगा। इन सवालों पर हम लौट कर आएंगे और कहीं ना कहीं यही आज की मेरी आप यदि हम सामाजिक विज्ञानों को देखें तो बड़ा कौन है, छोटा कौन है, किसकी परछाई में कौन है और क्या हमें बड़े से सवाल पूछने की जरूरत है। अब ये जो सवाल पूछने की बात मैं कह रहा हूं, सवाल पूछने वाला कौन है, कैसे है, सवाल को पूछने वाले मैं हूं, आप हैं, हम सभी हैं, इसे मैं दूसरे उदाहरण द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब तक आपने लगभग 50 व्याख्यान टीचर एजुकेशन को आप अपने सामने रखकर वर्ग देख सकते हैं। क्या वर्ग देख सकते हैं? आप यह पाएंगे कि इन व्याख्यानों में या तो हम एक खास प्रकार के सैद्धांतिक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, किसी तरीके से सिद्धांतों की बात कर रहा है, कभी हम मनोविज्ञान के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, कभी हम समाजशास्त्र के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, आज सुबह आपने दर्शन के सिद्धांत की बात सुनी। दूसरी कैटेगरी के जो व्याख्यान हैं उनमें आप देखेंगे आप विधि की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम आंकड़ों को इकट्ठा करें, किस तरीके से हम आंकड़ों के माध्यम से व्याख्याएं करें, किस तरीके से आंकड़ों के माध्यम से अपनी बात को रखें। तीसरे तरीके के व्याख्यान हुए हैं जो आपको कुछ औजार प्रदान करते हैं, अब इन तीनों तरीकों के व्याख्यानों को जो मैंने पहला उदाहरण दिया बड़ा और छोटा, इन तीनों व्याख्यानों में बड़ा कौन है। प्रस्तुति बाधित हुई थी तो मैं आपके सामने अब तक ये बातें रख चुका हूं कि अब तक हमने शिक्षा के जिन भी व्याख्यानों को सुना
उसको भी हम दो या तीन कैटेगरी में रख सकते हैं। एक वह जो शिक्षा के सिद्धांत की बात करते हैं, दूसरे ये है जो बताते हैं कि आप शोध कार्य कैसे करेंगे, तीसरे किन उपकरणों के द्वारा आप अपने शिक्षा कार्य को करेंगे। अब इसी सिलसिले में आप ये देखें कि जो सारा अब आप ये देखें कि जो सारा का सारा हम डिबेट बुन रहे हैं वह कहीं ना कहीं सोशल साइंस के डोमेन में आता है। तो आखिर मैं आपके साथ ये संवाद क्यों करना चाह रहा हूँ? मैं अपने इस संवाद में तीन चार मुख्य प्रश्नों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला प्रश्न ये कि जब आप कहते हैं कि हम सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत, सामाजिक विज्ञान के शोध और सामाजिक विज्ञान के शिक्षण से डील कर रहे हैं, तो आखिर इस विषय की ऐतिहासिक जड़ें कहाँ पर हैं और क्या यह जड़ें विचारधारा और राजनीति के प्रभाव से मुक्त हैं? क्या यह भौगोलिक भेदभाव डिवाइड ऑफ नॉलेज ज्योग्राफिकल डिवाइड्स के मुक्त हैं? दूसरा, क्या इस प्रकार के वर्गीकरण के बीच में हमें कोई एक सार्वभौमिक दृष्टि देखने को मिलती है या उस दृष्टि की अपनी व्याख्याएं हैं जो व्याख्याएं खास प्रकार की मान्यताओं से प्रभावित हैं? तीसरा, वह किसका ज्ञान है और उसको ज्ञान का दर्जा क्यों दिया गया है जिसे सामाजिक विज्ञान के नाम पर पूरी दुनिया में एक तरीके से देखा जा रहा है? जब आप इन तीन सवालों से रस्साकसी करने की कोशिश करते हैं, इनसे जूझने की कोशिश करते हैं, तो आपको केवल किताबी ज्ञान, उस पर हो रहे शोध कार्य की बहसों से आपका काम नहीं चलने वाला है। हमें सबसे पहले उन ऐतिहासिक जड़ों को देखना है और उनकी पृष्ठभूमि को समझना है कि किस प्रकार से हमने औपचारिक ज्ञान की सीमाओं में सामाजिक विज्ञान को पैदा किया और सामाजिक विज्ञान किया। देखिए, अब यहां पर मुख्य बात यह है कि यह पूरा का पूरा डिबेट जो शिक्षा का एक संदर्भ है, उस संदर्भ में कुछ बातों को समाहित करता है, कुछ बातों को बाहर कर देता है। समाहित किसे करता है? समाहित वह इस बात को करता है कि ज्ञान की शाखाओं, डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज, और शिक्षण का इतिहास, शोध का इतिहास पुनर्जागरण कालीन यूरोप से आरंभ होता है। पहला विवादास्पद बिंदु समझिएगा कि हम सारी शुरुआत को कहाँ से आरंभ करते हैं? मध्यकालीन यूरोप के बाद वहां हो रहे पुनर्जागरण के साथ आरंभ करते हैं, पहला। दूसरा, यह केवल हम आरंभ नहीं करते हैं, हम यह भी तय कर लेते हैं कि जो यूरोप के पुनर्जागरण कालीन विद्वान हैं, उन्होंने जो औपचारिक संरचना बनाई है, औपचारिक संस्थान बनाए हैं, उनके द्वारा ही निर्मित, उनके द्वारा ही चलाई जा रही बहसों को हम इस ज्ञान के दायरे में लेंगे। दूसरा, तीसरा, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में जब हम ज्ञान का प्रसार कर रहे होंगे या जब हम पूरी इसके ज्ञान के विकास को देख रहे होंगे, विकास को मैं विद इन कोट्स कह रहा हूं, ये बहुत खतरनाक शब्द है, तो हम वो बड़े भाई की भूमिका में होंगे जो अपने छोटे भाई को लेके समय की रेखा पे घूम रहा है और बता रहा है कि तुम्हारी दिशा क्या होगी, कैसे होगी। चौथा, अब इसके सापेक्ष हमें केवल भारत में ही नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यह मामला पूरा का पूरा यूरोप बनाम भारत का है, यह मामला पूरा का पूरा यूरोप बनाम तीसरी दुनिया के देशों का है, जिनमें भारत को मैंने एक प्रतिनिधि उदाहरण के तौर पर लिया है। जो समस्याएं भारत के सामाजिक विज्ञानों के साथ हैं, वही समस्याएं अफ्रीका के देशों के सामाजिक विज्ञानों के साथ भी हैं, अपने पड़ोसी देश श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ भी वो समस्याएं जुड़ी हुई हैं। तो हमें इस ज्ञान के भूगोल और उसमें छुपी हुई राजनीति को भी देखने की आवश्यकता है। यह मामला इतना आसान नहीं है कि जिस तरीके से हम इसको समझ रहे हैं और जिस तरीके से हम इसकी व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा इतिहास का ग्लिम्स लेते हुए और वर्तमान की ओर ले आने की कोशिश करता हूं। आप देखेंगे कि जिस ज्ञान संरचना को हमने सामाजिक विज्ञान की ज्ञान संरचना कहना आरंभ किया और जिस तरीके से हमने उसको स्थापित करने का प्रयास किया, वह पुनर्जागरण कालीन यूरोप में आरंभ होती है। अगर आप यह देखें कि सामाजिक विज्ञान को किन मूल शब्दों के द्वारा आप परिभाषित कर सकते हैं, तो उसमें पहला शब्द ही पुनर्जागरण रिनेसा है। सामाजिक विज्ञान के इतिहास को
यहाँ से ही हम इसको ध्यान रखिएगा, किस इतिहास की बात मैं कर रहा हूँ, जिसे औपचारिक संस्थानों में सामाजिक विज्ञान का इतिहास बताया गया है और वे औपचारिक में विकसित हुई और धीरे धीरे औपनिवेशिक देशों में फैलती गई, उनके संदर्भ को मैं ले रहा हूँ। पुनर्जागरण काल एक ऐसा मध्य बिंदु हमारे लिए है जहां से जहां फिर हम दोबारा बौद्धिक जागरण का प्रयत्न करते हैं और उस बौद्धिक जागरण के प्रयत्न में हमारे सोचने की दृष्टि, हमारे करने की दृष्टि, हमारे लिखने पढ़ने की दृष्टि पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि मैं अब आपको बताऊं संदर्भ लेते हुए, तो डॉर्थी रास ने बताया कि भाई आप इस मध्यकाल के पुनर्जागरण और पुनर्जागरण से प्रभावित इनलाइटनमेंट और रिनेसा को आप किन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू देखते हैं, तो पहला वो कहते हैं औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के माध्यम से हमारी समाज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था बदलना प्रारंभ होती है, जो जिसका प्रभाव राज व्यवस्था तक जाता है। फिर हम कहते हैं कि इस राजा समाज व्यवस्था में जो हैं, इन्हें हम कहते हैं आधुनिक तरह की संस्थाएं हैं, आधुनिक तरह के। और ये ध्यान रखिएगा, जो सामाजिक विज्ञान का रिनेसा और इनलाइटनमेंट के बाद मैं तीसरा कीवर्ड बता रहा हूं, मॉडर्निटी, बहुत खतरनाक शब्द है और इसका भ्रम, इसका प्रसार से अपने घेरे में लिए हुए था, जब तक कि हमने यह नहीं कहा कि अब एक नया शब्द है पोस्ट मॉडर्निटी। और सबसे पहला सवाल तो आप पूछिए किसकी मॉडर्निटी, मैं इस सवाल पे बाद में आऊंगा। तो फिर हमने कहा कि हम मॉडर्न होने की ओर बढ़ रहे हैं। मॉडर्न होने के इस अभिप्राय में एक सबसे बड़ा जिसे कहा गया लब्बुलुआ पकड़ाया गया, हमें एक मतलब ऐसा शब्द दिया गया जिससे हमें तो मैं अब आपसे बता रहा था कि वो शब्द हमारे पास क्या आया। वह शब्द हमारे पास जुड़ता है इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। इस मॉडर्निटी के कॉन्सेप्ट में बदल रही यूरोपीय व्यवस्था में आपके सामने एक नया शब्द प्रकट होता है कि आप व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हैं, आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इन सब के साथ जो विज्ञान, उद्योग, नगर के साथ साथ आपकी एक व्यक्ति बोध, व्यक्तिगत अस्मिता का भाव विकसित हो रहा था, इसने पूरी दुनिया में यूरोप को एक केंद्र बनाया। और फिर हमने कहा कि हम अब पूरी दुनिया की खोज करेंगे और उस खोज के केवल वैज्ञानिक निहितार्थ नहीं थे, या आप यह दावा कर सके कि हम एक वैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण हम पूरी दुनिया को खोज रहे थे, उसके अपने आर्थिक और राजनीतिक निहितार्थ थे जिन्होंने आने वाले समय में पूरी दुनिया में ज्ञान की राजनीति को गढ़ा है। यदि मैं आपके सामने एक उल्टा सवाल रखूं कि जिस तरह के इनलाइटनमेंट और रिनेसा के साथ जुड़ी मॉडर्निटी के प्रसार की बात मध्यकालीन यूरोपीय देशों में हो रही थी, अगर उसको आप एक कल्पना के जरिए ये मानिए कि वो सब कुछ हिंदुस्तान में हो रहा होता और वो प्रक्रियाएं वैसी होती जैसा कि कुछ समाज वैज्ञानिक दावा करते हैं कि यह यूरोप हो या गैर यूरोपीय देश, सबको विकास के इसी रास्ते पे चलना था, कोई इस रास्ते पे पहले आया, कोई इस रास्ते पर बाद में। अगर इस दावे को आप सत्य मानें और यह कल्पना करें कि जिस प्रक्रिया को हमने विज्ञान, जिस प्रक्रिया को हमने प्रौद्योगिकी, जिस प्रक्रिया को हमने आधुनिकता की संज्ञा दी, उसका केंद्र यूरोप न होके भारत रहा होता, तो आज दुनिया में ज्ञान की राजनीति, अर्थ की राजनीति और सत्ता के वर्चस्व की स्थिति क्या होती, यह आप कल्पना कर सकते हैं। और यह कल्पना करना आपको एक स्वाभाविक उत्तर देता है कि जिस बात को हम वैज्ञानिकता, प्रौद्योगिकी, आधुनिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर ज्ञान में शामिल करके सामाजिक विज्ञान कह रहे हैं, कहते आए हैं, परिभाषित करते रहे हैं, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी सत्ता की राजनीति रही है, जिस राजनीति ने विश्व व्यवस्था को गढ़ा है, जिस राजनीति ने अपनी वैधता को सिद्ध करने के लिए ज्ञान को एक माध्यम बनाया है। आइए इस रास्ते पे थोड़ा हम और चलते हैं, यह रास्ता इतना आसान नहीं है जितना हम सोशल साइंस को साइंस कह के आसानी से मुक्ति प्राप्त। साइंस और सोशल साइंस के द्वंद के बारे में यदि मैं आपसे बताऊं तो इसको बहुत अच्छे से वॉलस्टीन ने बताया, सीपी स्नो का रेफरेंस लेते हुए, कि हमारे सामने दो तरह की संस्कृतियां थीं,
एक तरह की ऐसी संस्कृति जिसमें हम समाज की बात कर रहे हैं, साहित्य की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, यह कुछ सॉफ्ट कल्चर था, सॉफ्ट डिसिप्लिन्स कहा गया। इसके सापेक्ष कुछ दूसरे भी डिसिप्लिन्स थे जिन्हें हम हार्ड डिसिप्लिन्स कह रहे हैं, जो अपने आप में हार्ड हैं। वो किसी भी बात को, किसी भी तथ्य को आसानी से स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है कि आप कुछ भी कह देंगे और वो उसको मान लेंगे। साहित्य में आपको दर्शन में इस तरह की व्यवस्थाओं के, जो हिस्टोरियोग्राफी की परंपरा रही उसमें अगर आप देखें तो जो नरेटिव्स लिखने की बातें रही हैं उसमें आपको अपनी बात कहने की आज़ादी है, ये सॉफ्ट डिसिप्लिन है। लेकिन दूसरा हार्ड डिसिप्लिन है साइंस, जहां आप अपनी बातों को कुछ भी कह के सत्य नहीं सिद्ध कर सकते। उसकी उसने अपनी एक कसौटियां बनाई, अपनी विधि का एक विकास किया, उसके बारे में मुझे अधिक बताने की जरूरत नहीं। तो आप सभी उससे परिचित हैं, और जब भी हम सोशल साइंस का नाम लेते हैं तो प्रायः साइंस की उन्हीं कसौटियों के सापेक्ष सोशल साइंस को हम परिभाषित कर देते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि आखिर ये जो सॉफ्ट डिसिप्लिन्स थे उनको साइंस की ओर जाने की जरूरत क्यों पड़ी? यदि आप किसी सरल किताब में देखें और इसके सतही आर्ग्यूमेंट पर जाएं तो हम ये चाहते हैं हमारे डिसिप्लिन को भी एक आइडेंटिटी मिले, हमारे ज्ञान को भी एक ज्ञान का दर्जा मिले, इसलिए हम उन डिसिप्लिन्स की ओर जाना चाहते थे। लेकिन थोड़ा रुक कर विचार करिए, इतने जल्दी फैसला लेने की जरूरत नहीं है। सोशल साइंस को, जो जब वो सोशल साइंस नहीं था, जब वो सॉफ्ट डिसिप्लिन के रूप में था, सोसाइटी का डिस्क्रिप्शन था, ऐसा नहीं था जिसे अगर मैं सोशल साइंस की टेक्निकल लैंग्वेज में कहूं, जिसे फोक सोशल साइंस कहा जाता है, जिसे नेटिव सोशल साइंस कहा जाता है, जिसे अगर आप सोशियोलॉजी की किताब उठा के दिखाएंगे तो कहा जाता है प्री कांटियन सोशियोलॉजी कहा जाता है, वहां पर भी आपको समाज, राज्य, अर्थ, इन सबके विवरण, सबके ब्यौरे मिलते हैं। लेकिन उन ब्यौरों में स्वीकृति की वे कसौटियां नहीं हैं जिससे, आप ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बात बताई थी कि यूरोपीय पुनर्जागरण ने ज्ञान की संरचनागत व्यवस्था को संस्थागत कलेवर प्रदान किया था। अब ज्ञान की संस्थाएं थीं, यदि आप इसको इतिहास में जाकर देखें तो आप पाएंगे विद्यालय, विश्वविद्यालयों के साथ साथ विज्ञान के जो अलग अलग समूह थे, इन विज्ञान के अलग अलग समूहों ने अपने एसोसिएशन बना रखे थे जो ज्ञान के क्लेम करते थे। और यह छटपटाहट उन लोगों में थी जो सॉफ्ट डिसिप्लिन से डील कर रहे थे कि हमारे द्वारा भी कही गई बात को वही वैल्यू मिले जो उनके द्वारा कही गई बात को वैल्यू दिया जा रहा है। आप ये देखिए कि जो तमाम सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज की किताबों में जो ज्ञान के वर्गीकरण का तरीका दिया गया है कि जो प्रोफेशनल और टेक्निकल नॉलेज है जिसे सोसाइटी में हाईली वैल्यू किया जाता है, वो क्यों वैल्यू किया जाता है? क्योंकि उनकी जो अपनी एक कसौटियां हैं, वह जाहिर सी बात है उनको एक अलग, वो उनको अलग प्रकार का मूल्य प्रदान करती हैं। और इस मूल्य लालच में ही सोशल साइंस अपने आप को कहता है कि हम भी साइंस बनेंगे। साइंस बनने के बाद आप देखिए, सबसे पहले हमने किस चीज को खारिज किया? सबसे पहले हमने जो पर्सनल रिफ्लेक्शन बेस्ड डिस्क्रिप्शन से हुए इंपीरिकल बेस्ड स्टडी का एक मुहावरा दिया, और इस इंपीरिकल बेस्ड स्टडी के मुहावरे के लिए हमने लैब लाइक सिचुएशंस को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया, और इस हिसाब से फिर सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन प्रारंभ होने लगा, जिसमें आप ये बताने वाली बात है, आप सभी जानते हैं कि आप कहेंगे कि ऑगस्ट काम्टे ने साइंटिफिक मेथड को सोशल साइंस में जगह दिया और सोशल साइंस के तरीके से उसकी बात को आरंभ किया। लेकिन अब आप ये देखिए, तो हमने किया क्या? हमने, अगर मैं ये बात आपको कहूं, तो हमने तीन तरीके के विज्ञान की मान्यताओं को अपनाने की कोशिश की, और आप देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान में भी हमने इसी को कॉपी करते हुए इवोल्यूशनरी थियरीज को भी प्रतिपादन किया कि हमारे चिंतन का विकास कैसे होता है, जनसंख्या की वृद्धि कैसे होती है, अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होता है। आप ये देखिए, साइंस और सोशल साइंस का कनेक्शन देखते जाइए कि हम, जो मैंने आपको टाइटल में बात कही है कि इंडिया सोशल साइंस का शैडो, पहला तो सवाल आप ये कि क्या सोशल साइंस साइंस के साइडों से मुक्त? तो हमने स्ट्रक्चर की, अब जो हमने विज्ञान की कदमों को अपनाया, मेरी आवाज कट कट के आ रही है क्या आपको? बीच बीच में मुझे दिखा रहा है कि मेरा नेटवर्क चला जा रहा है, तो मैं थोड़ा चिंतित हो जा रहा हूं। अब विज्ञान ने जिस सामाजिक विज्ञान के ढांचे को अपनाया, सामाजिक विज्ञान ने विज्ञान के ढांचे को अपनाया, उसने एक कमाल और कर दिया,
उस वह कमाल ये था कि जो आप अपने चारों तरफ की सामाजिक सच्चाइयों को देखते थे, उसके लिए उसने कुछ शब्द गढ़ दिए और इन शब्दों के सहारे आप पूरी की पूरी, आपको ऐसा लगा वाह अब इस शब्दों के सहारे तो हम रचना को समझ सकते हैं। अगर मैं सामने से देखते हुए डॉर्थी रॉस के रेफरेंस से आपको बताऊं तो हमने क्या किया, हमने मानव की जनसंख्या और जनसंख्या की विशेषताओं को, जो भी आप देखेंगे सामाजिक विज्ञान के जितने भी की टर्म्स हैं, चाहे वह किसी भी विज्ञान के क्यों न हो, चाहे वह समाजशास्त्र के हो, राजनीति विज्ञान के हो, शास्त्र के हो, वो पहला तो सबसे पहले पॉपुलेशन से डील करेंगे, उसकी विशेषताओं को बताएंगे, उसमें कैटेगरी डालने की कोशिश करेंगे, उसकी प्रक्रिया। हेलो, हाँ क्या मैं बताऊँ, प्रौद्योगिकी की सीमा ऐसी है कि बार बार रुक रुक के नेटवर्क चला जा रहा है और फिर मुझे जो है आप तक बात मेरी पहुंच नहीं पा रही है। पॉपुलेशन के बाद आपकी यह पॉपुलेशन सामान्य पॉपुलेशन नहीं रह गई, जो बात आरंभ में कही गई थी कि हमने अर्थव्यवस्था को बदलना शुरू किया था, उस अर्थव्यवस्था ने पूरी की पूरी पॉपुलेशन के लिए एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया, लेबर। आप सोशल साइंसेज में जो शताब्दी के शुरुआत का सोशल साइंस है, उसमें आप पाएंगे कि हमें एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट जा रही है कि किस प्रकार का श्रमिक, किस प्रकार का उत्पादन, किस प्रकार का लाभ, और इस तरीके की बातों को लेकर हम उसको आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, उससे जुड़ी सिद्धांत बनाए जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी में निर्मित, उसके लिए किस प्रकार के श्रम की आवश्यकता है। इसके अलावा हम अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो एक नया लैंडस्केप हमारे लिए क्रिएट हो रहा है। इसके अलावा हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि सोशल साइंस ने साइंस का स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन और फंक्शन जैसे की कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए अपने लिए एक शब्दकोश निर्मित किया, एक से उसको यह विश्वास होने लगा कि अब मैं जो बातें बता रहा हूं, जो बातें आप कहना चाह रहा हूं, वह बातें वैज्ञानिक और तर्कसंगत हैं। ये कौन सी बात, यह बातें पूरे की पूरी तरीके से उस साम्राज्यवादी नींव की ईंटें थीं जिनसे आज तक हम प्रभावित हैं, और उनका भी एक काउंटर करंट था। ऐसा नहीं था कि उनका कोई काउंटर करंट नहीं था, और उन्होंने जनसंख्या को लेकर, श्रम को लेकर, पूंजी को लेकर, नगर को लेकर, प्रौद्योगिकी को लेकर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके तीन प्रकार की धाराएं निकल के सामने आती हैं। एक जो पुरातनपंथी हैं, जो कह रहे हैं कि हमें उसी परंपरागत यूरोपियन मॉडल में लौट जाने की जरूरत है, ये सारे वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, आर्थिक बदलाव हमें नहीं चाहिए। दूसरी धारा वो थी जो रेडिकल थी, जो ये कह रही थी कि ये सारी की सारी बातें जो आप हमसे कह रहे हैं, या समाज के थोड़े से ही लोगों के हित में, ज्यादातर लोगों का हित नहीं कर रही हैं, इसलिए हमें इन्हें तोड़ देने की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है कि क्या हम पुरानी परंपरा की ओर लौट गए होंगे, या हम रेडिकल तरीकों की ओर लौट गए होंगे? बहुत विवेकपूर्ण और सही फैसला लेने का वक्त इस समय सत्ता के पास था। वह सत्ता लोगों के बदले हुए रुख को जान चुकी थी कि 18वीं शताब्दी के समाप्ति और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जो जनता है, जो विश्व की आबादी, उनके देश की आबादी बढ़ रही है, वह पुराने वाले यूरोप की ओर लौट के नहीं जाना चाहती है, और ना ही थोड़े से चुने हुए लोगों के रेडिकल मूवमेंट की ओर जाना चाहती है। तो सत्ता के माध्यम से एक उदारवादी आंदोलन शुरू हुआ, और ये ध्यान रखिएगा, ये उदारवादी आंदोलन एक व्यापक स्वीकृति का आंदोलन था। इस व्यापक स्वीकृति के आंदोलन में उसने सभी पक्षों में एक संतुलन साधने की कोशिश की। उसने यह समझाया कि यह जो बदलाव आ रहा है, ये बदलाव ही वास्तव में प्रगति है। देखिएगा, जिस बदलाव का विरोध रेडिकल आइडियोलॉजी के लोग भी कर रहे थे, और जिस बदलाव का विरोध ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी वाले लोग भी कर रहे थे, लिबरल्स उसे कैसे प्रेजेंट करते हैं कि यह सारा का सारा बदलाव आपके हित के लिए है, और वह कुछ ऐसे टर्म क्वाइन करते हैं कि हर व्यक्ति को लगने लगे राज्य के लिए नहीं है, राजा के लिए नहीं है, एक आम आदमी को जगह देने के लिए है। वैज्ञानिक शिक्षा किसके लिए है?
विश्व पर कब्जा करने के लिए नहीं है, विश्व को बाजार बनाने के लिए नहीं है। दकियानूसी विचारों से आपको मुक्त करके आपके रोजमर्रा के जीवन को सरल बनाने के लिए है। तो जो उदारवादियों का यह विचार था और उदारवादियों ने जिस प्रकार से सामाजिक विज्ञान के साथ साथ शिक्षा को भी अपने कब्जे में लिया, उसने हमें एक ऐसी विश्व व्यवस्था की ओर ढकेला जहां बहुत सी चीजों को हमने एक स्वीकृत तौर पे ले लिया और हमें एक श्रेष्ठता का भाव आया। जो अपने व्याख्यान के आरंभ में मैंने बड़े भाई का दिया था, उस बड़े भाई की भूमिका का सोशल साइंस में बीच एक धारा और आती है। वह धारा एक काल्पनिक दुनिया की बात करती है, यूटोपियन वर्ल्ड की, जिसका प्रतिनिधि आप एक मार्क्स को भी देख सकते हैं कि एक ऐसा समाज होगा जहां पर सब बराबरी के हक पर पहुंच जाएंगे और इस तरीके के बदलाव आएंगे। और वो केवल मार्क्स ही ऐसा नहीं करते, आप उस दौर के कई समाज वैज्ञानिकों के सिद्धांत में इस बात को पाएंगे कि वह गाहे बगाहे। मैं नेटवर्क से इतना परेशान हूँ कि रह रहे कि आवाज़ कट जा रही है, इसलिए आप लोग को भी समस्या हो रही है। तो मैं अपनी बात आप तक यहाँ तक अपनी बात कह चुका था कि धीरे धीरे जो ये यूटोपियन थिंकर्स थे, जिन्होंने इस प्रकार का बताया कि यह जो वर्तमान व्यवस्था आप देख रहे हैं, यह पुरानी व्यवस्थाओं की नींव पर खड़ी है और आने वाले समय में आप एक ऐसी काल्पनिक व्यवस्था की ओर जाएंगे जो ज़्यादातर लोगों का हित करेगी, जो ज़्यादातर लोगों के भलाई का कार्य करेगी और आप एक नए प्रकार की दुनिया बनाएंगे। यह भी देखिएगा एक खास प्रकार का सामाजिक वैज्ञानिक चिंतन था। इस दौरान एक महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि आधुनिक तरह के विश्वविद्यालयों में औपचारिक ज्ञान संरचना में सामाजिक विज्ञान के विभागों की स्थापना होने लगी और हम उन्हें अलग अलग तरीके के डिसिप्लिन में करके देखने लगे। सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, इस तरह के अनुशासनों का विभाजन होने लगा। 20वीं शताब्दी के आरंभ तक, जब तक पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद का प्रसार हो चुका था, और ये ध्यान रखिए उपनिवेशवाद का प्रसार किसने किया है, उपनिवेशवाद का प्रसार उन लोगों ने किया है जिन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को एक बहुत बड़े मूल्य के रूप में स्वीकार किया था और समाज के वैज्ञानिक अध्ययन, जिसमें सभी व्यक्ति का हित अधिकतम हो, को लेकर समाज विज्ञानों का प्रसार किया था। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सोशल साइंस को सबसे ज्यादा अगर किसी से सपोर्ट मिलता है तो वह सपोर्ट राज्य से मिलता है, धन का मिलता है, संस्थाओं को खोलने का मिलता है और हमें लगता है वह ज्ञान का प्रसार हो रहा था। वह ज्ञान का प्रसार नहीं है, वह तो ज्ञान की राजनीति है। अब हमें उपनिवेश की संस्कृति, उपनिवेश की ज्ञान परंपरा, उपनिवेश के लोगों के व्यवहार, उपनिवेश के बाजार, इन सब का अध्ययन और व्याख्याएं करनी है। इसके लिए जिस बिहेवियरल साइंस, जिस सोशल साइंस की आवश्यकता है, उसको लेकर हमने समाज विज्ञानों का एक नए प्रकार का अध्ययन का दौर शुरू हुआ, जहां पर नई खोजी गई दुनिया के बारे में तरह तरह की जानकारियों, तरह तरह के विश्लेषणों से जिसे युक्त किया जा रहा था। इसी बीच दुनिया को दो बड़े विश्व युद्धों का सामना करना पड़ता है और इन दो बड़े विश्व युद्धों ने पूरी दुनिया की स्थिति को जैसे परिवर्तित किया, वैसे ही उसने समाज विज्ञान की स्थिति को भी परिवर्तित किया। जिन सिद्धांतों को लेकर, जिस स्ट्रक्चर को लेकर, जिस इवोल्यूशन को लेकर, जिस यूटोपियन वर्ल्ड को लेकर सोशल साइंस पूरा का पूरा आगे बढ़ रहा था, अपने अपने सिद्धांतों को बना रहा था, वह सिद्धांतों की सीमाएँ उजागर होने लगी। ये ध्यान रखिएगा, सिद्धांत अपने में खुद जीव नहीं है, उन सिद्धांतों को बनाने वाला व्यक्ति, जिन मान्यताओं के साथ कार्य कर रहा था, उसकी सीमाएं भी पूरी तरीके से उजागर होने लगी कि यह जिसे हम सामाजिक विज्ञान है, तो इससे जो सबसे ज्यादा डोमिनेंस किसी का रहा तो फ्रायड कर रहा है। कहीं ना कहीं उसने जो इंपीरिकल और पॉजिटिविस्ट सोशल साइंस था, उसका उसकी जो सीमा थी, उस पर कुठाराघात करने का काम किया कि आप जिन बातों को कह सुन रहे हैं वह उस तरीके से लागू नहीं हो रही हैं, क्रियान्वित नहीं हो रही हैं, इसके बारे में हमें सोचने और विचार करने की जरूरत है। लेकिन 1945 जाते जाते पूरी दुनिया की फलक पर केन्सियन इकॉनमी और स्वतंत्र होते उपनिवेशवाद के दौर में एक नए प्रकार की ज्ञान संरचना का जन्म हुआ, जिसमें सामाजिक विज्ञानों की केंद्रीय भूमिका थी। आपको एक बड़ी आर्थिक मंदी से उभरना था, आपके उपनिवेश छूट रहे थे और अब आप गढ़नी थी। ध्यान रखिएगा, हमने एक शब्दावली पहले गढ़ी थी
क्या? लोकतंत्र, विज्ञान, ज्ञान का प्रसार। फिर दूसरे तरह की शब्दावली गढ़ी थी, असभ्यों को सभ्य बनाना, उनकी संस्कृतियों का अध्ययन करना, उन्हें लोकतंत्र से परिचित कराना, उन्हें शिक्षा से परिचित कराना, उन्हें विज्ञान से परिचित कराना। अब 1945 में हमें तीसरे प्रकार की शब्दावलियों को गढ़ना था। ये वह शब्दावली नहीं थी जिससे आप किसी को छोटा, और ये वो दौर है जो मैंने कहा। तो अब द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते होते आपके सामने एक ऐसी स्थिति आ गई थी जहां पर छोटा भाई आपसे सवाल करने लगा कि जो व्याख्याएं, जो बातें आप मुझे बता रहे हैं वो कहां तक सकते हैं। 1945 की अगर मैं स्थिति बताऊं तो 1945 तक आते आते समाज विज्ञान पर केवल 5 देशों, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड स्टेट का वर्चस्व था। आप पूरी तरीके से सोशल साइंस की हर प्रैक्टिस केवल इन्हीं देशों में कंसंट्रेटेड थी और बाकी के देशों के बारे में बताने वाले यही विद्वान थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो एक नई राजनीतिक व्यवस्था उभर रही थी उसमें सामाजिक ज्ञान को एक हमने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। एक सामान्य स्वीकृति के साथ हमने यह कहा कि अब सबका विकास हमारा ध्येय होना चाहिए, लेकिन अब इस विकास को आप उपनिवेश के जरिए नहीं कायम रख सकते थे। उपनिवेशवाद का दौर समाप्त हो रहा था। अब वह आप किसी को हथियार के आधार पर, व्यापार के आधार पर कब्जे में नहीं रख सकते थे। तो उन्होंने एक नए तरीके की ज्ञान की राजनीति आरंभ की, और वह नए तरीके की ज्ञान की राजनीति का सूत्र था विकास के लिए ज्ञान। ध्यान रखिएगा, हमने किसके लिए शुरुआत की थी? सबसे पहले विज्ञान के लिए ज्ञान, फिर हमने कहा नई दुनिया के लिए ज्ञान, और अब हम कहने लगे विकास के लिए ज्ञान। फिर जो छोटा भाई था, जो सारे उपनिवेशिक देश स्वतंत्र हो रहे थे, उनका सवाल था कि किसका विकास, किसके विकास के लिए ज्ञान। तो पुनः उन्होंने बताया कि एक जो नए तरीके की विश्व व्यवस्था खड़ी हो रही है, इस व्यवस्था में अपने समाज को समझने, अपनी अर्थव्यवस्था को समझने, अपनी राज्य व्यवस्था को खड़े करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह हम आपको देंगे। और इसे हमने, उन्होंने कहा कि यह विकास का ज्ञान है, लेकिन वस्तुतः वह विकास का ज्ञान नहीं था। वह ज्ञान तो एक छुपा हुआ ज्ञान था जिसके माध्यम से पुनः वह अपने डोमिनेंस, अपने वर्चस्व को बनाए रखने का प्रयत्न कर रहे थे, और हम लोग पुनः उनके इस छलावे में आ गए और विकास के लिए ज्ञान के नारे पर पुनः पूरी दुनिया में सामाजिक विज्ञान में एक नए तरीके के ज्ञान का प्रसार होने लगा। और आप ये देख रहे हैं कि इस ज्ञान का प्रसार अभी लगातार हो रहा है। यह जो मैंने आपके सामने एक बैकड्रॉप रखा, तो आप ये सोच रहे होंगे तो मैं तो दुनिया भर के तमाम बातें बता रहा हूं, इसमें हमारा भारत कहां है? तो मित्रों, यह ध्यान रखिएगा, जब मैंने आप इस व्याख्यान का आरंभ किया था बड़ा भाई और बड़े भाई की परछाई, यह वह औपचारिक ज्ञान था जो यूरोप में आरंभ हुआ था और भारत जैसे तमाम औपनिवेशिक देशों में जिसका प्रसार हो रहा था, जिसका दबाव बनाया जा रहा था। यदि अब इस सारे संदर्भ में मैं भारत के सामाजिक विज्ञान की बात करूं और उस सामाजिक विज्ञान की बात करूं जिसे आधुनिक औपचारिक ज्ञान की संरचना में सामाजिक विज्ञान कहा जाता है, तो सबसे पहले हमें एक विभाजन स्वीकार करना होगा। वह विभाजन यह स्वीकार करना होगा कि हमारे यहाँ जो चर्चाएं, जो ज्ञान की बातें थी, उन सबको हमने ज्ञान नहीं कहा है, उन सबकी हमने चर्चा ही नहीं की है। हमने भारत की औपचारिक ज्ञान संरचना को कहां से आरंभ किया? जब ब्रिटिशर्स भारत में आए। अब ब्रिटिशर्स भारत में आके जब भारतीय समाज को देखना शुरू करते हैं तो कहते हैं भाई अब करें यहां से सामाजिक विज्ञान का ज्ञान बन रहा है, तो कहां से बनना शुरू हुआ? जो ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध हैं, वह ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि जब अंग्रेजों को बंगाल में दीवानी का अधिकार प्रारंभ हो गया, मैं वह संदर्भ देख लेता हूं ताकि मैं आपको अपनी बात प्रामाणिक तरीके से कह सकूं, ना कि ऐसा लगे कि कोई जब अंग्रेजों को बंगाल में दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया तो अब जो तथाकथित विद्वान थे, जो उस वैज्ञानिक ज्ञान की खोज कर रहे थे, वो यहां भी आएंगे। काशी में एक संस्था बनाई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल क्या कर रही थी? यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एक छोटा भाई, ध्यान रखिएगा, छोटा भाई कैसा?
जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है, जो असभ्य है, जिसके यहाँ भी कोई पुनर्जागरण नहीं हुआ है, इस तरह की बातें छोटी जो भी, अगर आप सामान्य बात देखें, एक बड़ा भाई एक छोटे भाई के बारे में जो कहता है, अरे अब ये मासूम है, अभी ये परिपक्व नहीं हुआ, ये बदमाशी ये कि जो औपनिवेशिक देश थे जहां उन्होंने उपनिवेश स्थापित किया था उसके बारे में ऐसी सोच रखते थे। तो हमने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में 1784 में अध्ययन प्रारंभ किया, और यह क्या था, इंडोलॉजिकल स्टडीज, संस्कृत और पाली की भाषाओं के माध्यम से भारतीय परंपरा, संस्कृति और धर्म का अध्ययन किया जा रहा था जो उनके समझ में आ रहा था। यह क्या था बेसिकली, इसे पार चटर्जी ने बड़ी अच्छी शब्दावली दी है, प्रोजेक्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। अंग्रेजों का यह, तो ये जो अंग्रेजों ने भारत में प्रोजेक्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग आरंभ किया था, ये क्या था, अंग्रेजों का भारत में आरंभ किया गया ये प्रोजेक्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, भारत के समाज के बारे में उन बातों को पता लगाना था जिसके आधार पर भारतीय समाज निर्मित है, स्थापित है और प्रगतिशील है। इस समाज को समझने के लिए उन्होंने अपने यहाँ के कॉन्सेप्ट्स को, जिस तरीके से धर्म को समझते थे, जिस तरीके से परिवार को समझते थे, जिस तरीके से व्यापार को समझते थे, वही तरीकों को लगा के इन्होंने भारतीय समाज को समझना शुरू किया। अब समाज को समझना है और उसे वैज्ञानिक बनाना है, तो वैज्ञानिक बनाने के लिए क्या चाहिए, आप सभी जानते हैं, डेटा चाहिए। अब डेटा कहाँ से आएगा, यहाँ की तो न भाषा जानते हैं, न यहाँ के लोगों को जानते हैं, और न यहाँ रहना भी है उनको, बहुत से तो नहीं आए थे। तो इस कार्य में उनका राज्य ने सहयोग किया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत में सामाजिक विज्ञान को विकसित करने के लिए इस प्रोजेक्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग की मदद की, और इन्होंने 5 तरीकों से डेटा उपलब्ध कराया। और आप देखेंगे कि जो आरंभ होने के पहले जिसने भी भारतीय समाज के बारे में बातें कही गई वो इन्हीं 4 डेटा सोर्सेस पे आधारित हैं। पहला डेटा सोर्स क्या था, लैंड रिवेन्यू हिस्ट्री। इतिहास का हर विद्यार्थी जिसने 10वीं तक भी इतिहास पढ़ा है वह जानता है कि अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले जो भूमि सुधार कानून लागू किए उसके लिए उन्होंने जो लैंड रेवेन्यू सर्वे किया था, इसके माध्यम से पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध कराए गए उन ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट को जो भारतीय समाज को समझने की कोशिश करना चाहते थे। दूसरा क्या था, डिफरेंट सर्वे। आप पाएंगे कि वो भूगोल का सर्वे हो, परिवार सर्वे हो, ज्ञान का सर्वे हो, तरह तरीके के सर्वे किए जा रहे थे। और ये देखिएगा, ये सर्वे मैंने जो आपको बात आरंभ में बताई थी कि पूरी दुनिया में इसीलिए किए जा रहे थे कि हमें उनके समाज को जानना, जानने के बाद ही आप उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। लैंड रेवेन्यू सर्विसेज, डिफरेंट सर्वे, फिर उन्होंने सेंसस का डेटा लिया, और सेंसस का डेटा लेने के साथ साथ आर्कियोलॉजी और म्यूजियम को भी डेवलप किया। तो जो इंडोलॉजी का डिस्कोर्स भारत में विकसित हो रहा था, अभी विश्वविद्यालय नहीं खुले हैं, अभी तो व्यक्तिगत रूप से जो अध्ययन समूह हैं, जो इंडोलॉजिस्ट हैं, वो अध्ययन कर रहे हैं, और उनमें से अधिकतर भारत भी नहीं आ रहे हैं, वह इन आंकड़ों के माध्यम से भारतीय समाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को अपने इस इंडोलॉजिकल स्टडी के माध्यम से स्थापित किया, भारत की जाति व्यवस्था, जिन्होंने इसे वर्ग व्यवस्था के सापेक्ष रख के समझने की कोशिश की, भारत की राज व्यवस्था, जहां पर उसकी तमाम तरह की आलोचनाएं थी और उसके पक्ष में भी तर्क थे क्योंकि उन्हें राजाओं से लाभ लेना था, तीसरा भारत के ग्रामीण समाज की व्यवस्था। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इन तीनों ही प्रकार की व्यवस्थाओं का कहीं भी आपको सकारात्मक संदर्भ में उल्लेख नहीं मिलेगा। उनकी ग्रामीण व्यवस्था ग्राम स्वराज का जिक्र नहीं करती है, उनकी जाति व्यवस्था पूरी तरीके से भारतीय समाज को वर्ग के सापेक्ष समझ के समझने की कोशिश करती है, और जो उन्होंने राज्य व्यवस्था को समझने का जो विमर्श गढ़ा वह यही बता रही थी कि राजा शोषक है और प्रजा शोषित है। इस प्रकार से इंडोलॉजिस्ट के प्रभाव में भारत में सामाजिक विज्ञानों का निर्माण आरंभ होता है, और यह देखे जाने की कोशिश की जाती है कि समाज विज्ञान को भारतीय समाज के समझने के उपकरण के रूप में कैसे हम इस्तेमाल करें। धीरे धीरे भारत में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित संस्थाएं खुलने लगती है, बंगाल में संस्कृत कॉलेज खुलता है, फिर 1857 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है, लेकिन ये विश्वविद्यालय अभी भी सोशल साइंस की वो अध्ययन नहीं कर रहे थे, वे उसी अध्ययन किए जा रहे थे हमारे लिए इंडोलॉजिकल स्टडी के पार्ट थे जो इवेल्युएटरी थे और जिनके द्वारा हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे थे जो राज्य के संचालन में बाधा पैदा कर रही थी, ताकि हम उन समस्याओं को हल कर लें और आसानी से हम राज्य का विस्तार कर लें। अब यह सवाल पैदा होता है और हमें पूछना भी चाहिए, तो उस समय बाकी के भारतीय क्या कर रहे थे,
क्या हमारे पास अपना कोई विमर्श नहीं था? क्या हम अपने समाज को समझने समझाने का प्रयास नहीं कर रहे थे? तो ऐसा नहीं था। यदि आप ऐतिहासिक दस्तावेजों में देखेंगे तो छोटा भाई रूपी भारत लगातार अपने बड़े भाई रूपी उपनिवेशवाद से संवाद कर रहा था, सवाल कर रहा था। अगर मैं कुछ रेफरेंसेस आपको गिनाऊं, जो कि बहुत हमारे इतिहास में कई बार वो मिलते भी नहीं हैं, अक्षय कुमार मैत्रेय, इन्होंने बंगाल में जो अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ उसे सुशासन के रूप में स्थापित करने के तर्क या अंग्रेजों की स्वाभाविक विजय के तर्कों को खारिज किया और इन्होंने बताया कि यह वहां के आंतरिक प्रशासन की असफलताओं के कारण जनता का असंतोष था, यह अंग्रेजों की कोई वीरता नहीं थी। ऐसे ही भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी नाम आप पढ़ेंगे, जिन्होंने हिंदी में भारत के इतिहास, अपने राज्यों के इतिहास को लिखने के बारे में बल दिया और पाठ्यपुस्तकें बनाई, लेकिन हमें सामाजिक विज्ञान में ये बातें बताई नहीं जाती हैं। अब आप कहेंगे भाई आप तो हिंदी और बंगाल की बात कर रहे हैं, बाकी का भारत क्या कर रहा था? तो बाकी के भारत में भी उस समय वी के राजवाले हों, चाहे वी एस खरे हों, चाहे जी एस सरदेसाई, ये सभी लोग पूरी तरीके से एक समाज वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य भारतीय समाज को समझने के लिए विकसित करने का प्रयत्न कर रहे थे। आप पाएंगे जो भारत में समाज वैज्ञानिकों के प्रोफेशनल समाज सोशल साइंटिस्ट के पहले पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स की कैटेगरी रही है, जो लगातार भारतीय समाज के विश्लेषण को करके सवाल उठाते रहे हैं, अंग्रेजों से सवाल पूछते रहे हैं। वो कन्फर्मिस्ट नहीं रहे हैं कि जो एक पतन का थ्योरी बनाई गई, जो एक निगेटिविटी थ्योरी बनाई गई उसको कन्फर्म कर दिया जाए, वह लगातार उनसे सवाल पूछने का काम करते रहे हैं। आप पाएंगे कि एक नॉलेज एंड सोसाइटी करके एक लेख लिखा गया, बहुत हाल में ही प्रकाशित हुआ, उसमें भारत के समाज वैज्ञानिकों को तीन तरीके के वर्गों में बांटा गया। एक पहला वर्ग ये है जो समाज के बारे में बातचीत कर रहे हैं लेकिन उनके पास समाज विज्ञान की विधि नहीं है। एक वे वर्ग हैं जो सामाजिक विज्ञान को पढ़ा रहे हैं लेकिन उनके पास सामाजिक विज्ञान की शोध करने की क्षमता नहीं है। तीसरा वह वर्ग है जो सामाजिक विज्ञान में शोध भी कर रहा है, ज्ञान का निर्माण भी कर रहा है और पढ़ा रहा है। और ये तीसरे प्रकार का वर्ग तब तैयार होता है जब औपचारिक रूप से व्यवस्था विश्वविद्यालय में हमने सोशल साइंस को इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया। आप पाएंगे भारत में 1909 में पहली बार सोशल इकोनॉमिक्स की एक चेयर बनाई जाती है कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करें। और ये केवल भारत में भी नहीं है, अगर मैं विदेशों के भी इतिहास से इसकी तुलना करूं तो इकोनॉमिक्स हमेशा से राज्य का सबसे पसंदीदा विषय रहा है और उन्होंने हमेशा उसी प्रकार की चेयर, उसी प्रकार की पोस्ट, उसी प्रकार की यूनिवर्सिटी में विषय को स्थान देने की कोशिश की है। दूसरा बड़ा, हमें बड़ी सफलता तब मिलती है जब 1909 में बॉम्बे विश्वविद्यालय में पैट्रिक गेडिस, जो एक बेसिकली ज्योग्राफर थे, उनके नेतृत्व में एक सोशियोलॉजिस्ट जी एस गुरिया, जो भी सोशल साइंस के बहुत बड़े नाम है भारत में, सोशियोलॉजी के बहुत बड़े नाम है, उनको एक मौका मिलता है कि वह विदेश पढ़कर आएं और वहां से पढ़कर आने के बाद भारत में सोशल साइंस की, सोशियोलॉजी की नींव रखें। और आप देखेंगे उसी समय लखनऊ विश्वविद्यालय में भी लखनऊ स्कूल के नाम से सोशियोलॉजी की नींव पड़ती है और धीरे धीरे अन्य विषयों का भी अध्ययन अध्यापन आरम्भ हो जाता है। लेकिन आप ये देखेंगे कि इन सारे के सारे अध्ययन अध्यापन में हम बड़े भाई की परछाई से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे पास एक टीचिंग रिसर्च और सोर्स ऑफ नॉलेज के बारे में एक दबाव बना हुआ है। हमें कन्फर्मिस्ट अप्रोच पे ही चलना है, हमें उनके द्वारा बनाए गए ही ज्ञान को कन्फर्म करते रहना है। यह तो एक आप पॉपुलर लिटरेचर में आपको मिल जाएगा, जरा सभी आप गूगल करेंगे। लेकिन जो एक काउंटर करंट है, जिसे मैं कह रहा हूँ पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स की करंट है, जो लगातार इस बात को बता रही है कि वो व्याख्याएं सही नहीं है जो आप हमारे बारे में बता रहे हैं, हमारे पास एक अन्य भिन्न व्याख्या भी है जिसे हमें सोचने समझने की जरूरत है। उसमें आप देख सकते हैं दादा भाई नेहरू जी हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरीके की व्याख्याएं हैं। अब आप देख व्याख्याओं के दौर में, जबकि प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध हो गया, भारत में भी सर्वे टाइप की स्टडीज की जा रही हैं, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज में सोशल साइंस के डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हो गए, इंडोलॉजिकल स्टडी के मॉडल पर, ब्रिटिश थियरी और अमेरिकन थियरी के मॉडल पर भारतीय समाज को समझने समझाने की कोशिश हो रही है, भारत आज़ाद होता है। और आज़ाद भारत में सोशल साइंस के सामने सबसे बड़े दो चैलेंज, सबसे बड़े चैलेंज आते हैं। एक चैलेंज ये आता है कि जो हमारे कॉलोनियल रूल्स में सोशल साइंस इमर्ज होता है उसको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है, अपने सामाजिक विज्ञान को पुनर्परिभाषित करने की ज़रूरत है, और जो एक इंडियन आइडेंटिटी और इंडियन कॉन्शियसनेस का सवाल है उसे एड्रेस करने की ज़रूरत है। इन दोनों सवालों को एड्रेस किए बिना
हम अपनी उस परछाई से मुक्त नहीं हो सकते जिसका दबाव हमारे ऊपर लगातार बना हुआ है। और इस दबाव से मुक्त होने के लिए भारत का सामाजिक विज्ञान एक नई दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन पुनः मैं आपको यहाँ सचेत कर रहा हूँ कि अभी 10-15 मिनट पहले जो मैंने बात कही थी, विकास के लिए ज्ञान 1945 का यह नारा है। अब हम भी आज़ाद हैं, हमारे पास दो कार्य हैं कि एक कॉलोनियल रिजीम में हमारी जो व्याख्याएं की गई हैं उन्हें हम रीडिफाइन करें, दूसरा हम इंडियन कॉन्शियसनेस को डिफाइन करें। लेकिन आप करेंगे कैसे? आप तो विश्व व्यवस्था में अर्थव्यवस्था का दबाव भी तो आपके पास है, एक सापेक्षिक व्याख्या का भी तो सवाल है। तो ये जो उद्देश्य हमारे लिए जो महत्वपूर्ण थे उसके बदले हमने विकास के लिए ज्ञान के नारा का जो नारा था उसकी ओर हम बढ़ने लगे। और आश्चर्य की बात देखिएगा, जिन पब्लिक इंटेलेक्चुअल की ट्रेडिशन को मैं कह रहा हूँ, अब आप आज़ाद हैं, आपके पास गांधी की विरासत है, आपके पास अरविंदो की विरासत है, आपके पास टैगोर की विरासत है, आप उनको नहीं एक्नॉलेज कर रहे हैं, पुनः आप विकास के लिए ज्ञान के नारे पर चलते हैं। और मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण रेफरेंस बताना चाहूँगा, रेफरेंस मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको लगे कि यह बात दिमाग की उपज के बजाय एक एकेडमिक कम्युनिटी में इस्टेब्लिश फैक्ट है। शमिता शर्मा एक आर्टिकल लिखती हैं, वो बताती हैं कि भारत आज़ाद भारत में सोशल साइंस को आप उसके समय को दो कैटेगरी में रखिए, एक 1950 से 1970 का समय और एक 1970 से बाद का समय। वो ऐसा क्यों कहती हैं? उसके पीछे का तर्क यह है कि हमने सोचा क्या और हमने किया क्या। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे, मैं आपको एक मिनट मुझे आप दीजिए तो मैं वो रेफरेंस भी लेके आपको बताऊं, जो भारत में संस्थाएं खुलना शुरू हुई वो कैसी थी, उनका नेचर क्या था। आप ये देखेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग के इंस्टीट्यूट्स खुले, महलनोविस जैसे विद्वानों को हमने मोटिवेट किया, क्यों, वही विकास के लिए ज्ञान का मामला कि किस तरीके से हम अपने सामाजिक विज्ञान के ज्ञान का उपयोग करते हुए आगे बढ़ें। और 1969 तो हमारे लिए एकदम क्रूशियल ईयर है जब ICSSR की स्थापना होती है। ICSSR की स्थापना यह बताती है कि भारत में सामाजिक विज्ञान के ज्ञान के लिए सुचिंतित प्रयत्न होने चाहिए। ICSSR की वेबसाइट पर आप जाके देखिए 1969 के सापेक्ष जो उसके ऑब्जेक्टिव लिखे गए हैं, रिसर्चर्स की ट्रेनिंग, रिसर्च के लिए फंडिंग, रिसर्च के लिए पर्सनल मोटिवेशन, रिसर्च के लिए सेमिनार, ताकि आपको यह पता चले कि किस प्रकार का शोध हमारे लिए आवश्यक है। 1970 के बाद का समय, चाहे इसे आप श्यामाचरण दुबे के बातों के आलोक में देखिए, चाहे पार चटर्जी के बातों के आलोक में देखिए, एक ऐसा समय है जहां हम अब कॉलोनियल लिगेसी को खारिज करना चाहते हैं, हम अपनी बातों को अलग तरीके से कहने की कोशिश कर रहे हैं और हम अपने जो तमाम परछाइयाँ हैं उनसे मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल यह ध्यान रखिएगा, हम अपनी परछाइयों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। परछाइयों से मुक्त होने के दिशा में सबअल्टर्न स्टडीज आती हैं जो महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को, इनकी बातों को करना शुरू करती हैं। हम यह कहते हैं कि हम अपनी कल्चरल स्टडीज़ करके इस्टेब्लिश करेंगे, हम अपना पब्लिकेशन करेंगे, इस तरीके का एक दौर आरंभ होता है। लेकिन इस दौर की भी एक पूरी सीमा है, वह सीमा ये है कि अभी भी आप पूरी तरीके से वेस्टर्न डिस्कोर्स के दबाव में हैं, आप उस परछाई से आज़ाद होना भी चाह रहे हैं और आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। और एक दूसरा दबाव यह है कि एक हमारे बीच में अस्वीकृति का डर पैदा किया जा रहा है। अस्वीकृति का डर क्या है कि अस्वीकृति का डर यह है कि आपने जो ये डिफाइंड डिस्कोर्स बाउंड्री है इसके बाहर कदम रखा तो हम आपको खारिज कर देंगे। जिस तरीके की बातें अमेरिका की शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित की जा रही हैं, यदि उस तरह की बातों को आपने कन्फर्म नहीं किया और आपके लेख को हमने वहां जगह नहीं दी तो हम आपको सोशल साइंटिस्ट नहीं मानेंगे। इस तरह खारिज होने का जो डर है वह लगातार आपको ये बनाए हुए है कि आप उन्हें कन्फर्म करते रहें, और कंफर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है वो विकास के लिए ज्ञान आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो बड़ा भाई आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा कि आप अपने रास्ते पे चल सके। और एक कमाल की बात देखिए, ये मैं कई बार कहता हूं, आज फिर एक बार कह रहा हूं, आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, हमने टेक्निकल नॉलेज के डोमिनेंस से अपने आप को इतना दबा लिया है कि हम विचारों में स्वराज ला ही नहीं सकते हैं। टेक्निकल नॉलेज का डोमिनेंस का उदाहरण अगर आपको समझना है तो आप किसी भी प्रकार की पाठ्य पुस्तक, शिक्षण विधि और शोध, तीनों में दबाव को आप
आसानी से इसका अनुभव कर सकते हैं। शोध से आरंभ करता हूं मैं अपनी बात। शोध में आपके ऊपर क्या टेक्निकल प्रेशर है, मेथड क्या है, डेटा क्या है, सैंपल क्या है, इस तरीके के टेक्निकल टर्म्स, प्रोसीजरल प्रेशर्स आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन करने और रेजिस्ट करने के लिए बाधा पैदा करते हैं, क्योंकि आप जिस मेथड को आप कंफर्म करना चाह रहे हैं, वस्तुतः वह मेथड वो तो एक औजार है ना, लेकिन आपके लिए औजार ही इतना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि उससे जो आपको निर्माण करना था वह निर्माण आप नहीं कर पा रहे हैं। पाठ्यपुस्तकों के संदर्भ में भी यही देखिए कि क्या उसकी संरचना होगी, कितने उसमें प्रश्न होंगे, कितने उसके जवाब होंगे, ये जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं यह आपको आपकी ओरिजिनलिटी की ओर जाने नहीं दे रहे हैं। अब हमारे सामने अब तक की इस बातचीत से मैंने आपके सामने दो दृश्य बहुत स्पष्ट रखे हैं। पहला दृश्य यह है जहां पर ज्ञान की राजनीति के प्रभाव में सामाजिक विज्ञान जिन उद्देश्यों के लिए कार्य कर रहा था उनको छुपाते हुए हम ज्ञान के लिए ज्ञान निर्मित कर रहे हैं कहते हुए पूरी दुनिया में विकसित होता है और अंततः इसमें 5 देशों का वर्चस्व हो जाता है। दूसरा मैंने आपके सामने दृश्य रखा, वह दृश्य यह रखा कि छोटी भाई की भूमिका में भारत सहित तमाम देश औपचारिक ज्ञान की संरचना में जिसे सामाजिक विज्ञान कह रहे थे, वस्तुतः वह उनके समाज का दूसरों के लेंस से देखा हुआ अध्ययन था, विवरण था, जिसे वह अपने यहाँ औपचारिक दृष्टि से स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने प्रयास किया। इसी में एक बात मैंने आपको यह भी जोड़ी कि धीरे धीरे जब हम सशक्त हो जाते हैं तो हम ये सवाल उठाना भी शुरू करते हैं कि हम आपका अनुकरण क्यों करें। यह ध्यान रखिएगा, जब मैं अनुकरण की बात कह रहा हूं तो आप तुरंत इसका अनुमान लगाएंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी से, नहीं, यह अनुमान आपको औपचारिक शिक्षा के आरंभ से, औपचारिक शिक्षा का हर भागीदार आपका सर्वोच्च प्रोफेसर हो, पब्लिशर हो, वहां पर उस तरीके से ले जाकर आप देखिए, हम सभी सिर्फ कंफर्म करने के ही नजरिए से कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम अपने इस बात को नहीं रख पा रहे हैं। तो अब मैं आपके सामने इन दोनों दुविधाओं के बीच कि ऐसा क्यों हो रहा है एक अपना सैद्धांतिक मत या परिप्रेक्ष्य रखना चाहूँगा, और अभी मुझे उम्मीद करता हूँ बीच बीच में नेटवर्क जाता रहा तो आधे घंटे में अपनी बात को समाप्त करूँगा। अब आप ये देखें कि सामाजिक विज्ञान की इस पूरी विकास यात्रा में जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो लिमिटेशन यह है कि इस विकास यात्रा का शुभारंभ आप एक ऐसे स्थान से, एक ऐसे आरंभ बिंदु से मानते हैं जो आपका अपना नहीं है, और इस आरंभ बिंदु को आपने यूनिवर्सल तरीके से मान लिया है। आप सामाजिक विज्ञान के इतिहास की, सामाजिक विज्ञान के दर्शन की कोई भी किताब उठाकर देखिए तो आप यही पाएंगे, पुनर्जागरण काल, औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट, यहां से बातें होती हैं। क्या इसके पहले कहीं कुछ भी नहीं कहा गया? क्या इसके पहले, और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मेरे कहने का आशय है कि आप पुरातन पंथी हो जाइए, यदि आप पहले कही गई बात को भी एक आधारभूत ढांचे के रूप में लें, उसकी अच्छाई भी बताएं, बुराई भी बताएं, तो आप समझ पाएंगे यह केवल ज्ञान का विभाजन नहीं है, ज्ञान का भौगोलिक विभाजन है जिसमें आपने एक प्रकार के वर्ग को ही सत्य मान लिया है। क्यों सत्य मान लिया? इसलिए सत्य मान लिया कि उसने अपने ज्ञान को जिस पैकेट में पैक किया और उसके ऊपर जो मोहर लगाई वो मोहर थी सार्वभौमिकता की। इसका उदाहरण आप देखिए, सार्वभौमिकता की मुहर का ही सवाल है कि आज के 10-20 साल पहले की थीसिस के सारे टॉपिक्स में हम उन्हीं सिद्धांतों को कन्फर्म करने की कोशिश करते हैं जो किसी न किसी विदेशी विद्वान द्वारा बनाए गए हैं, और हमारा लक्ष्य यह होता है कि हम उनके बनाए सिद्धांत को भारतीय आंकड़ों के सहारे कन्फर्म करने की कोशिश करें। भाई जब उनका सिद्धांत हमारे समाज के लिए नहीं, हमारी प्रक्रियाओं को नहीं समझता है, हम उनकी विधि ले सकते हैं, हम उनका सिद्धांत अनुकूलित कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन हम जब कन्फर्म करते रहेंगे तो मामला गड़बड़ होता रहेगा। और जब आप अपने उनके सिद्धांतों को अपने यहाँ कन्फर्म करते रहे और कन्फर्मेशन के लिए वहाँ भेजते रहे तो क्रमशः उन्होंने बता दिया कि हम सिविलाइज्ड हैं, आप सिविलाइज्ड नहीं हैं, हम डेवलप्ड हैं, आप डेवलप्ड नहीं हैं, इस सिविलाइजेशन का सवाल आ गया। आप कोई भी पाठ्यपुस्तक, किसी भी देश की पाठ्यपुस्तक उठा के देख लीजिए,
किसी भी देश की पाठ्यपुस्तक उठा के देख लीजिए, कंटेंट का कवरेज कहाँ किसका कितना है, किस कंटेंट को आप ज़्यादा जगह दे रहे हैं, किन शब्दों के साथ जगह दे रहे हैं, किन दृश्यों के। मुझे आज तक तो कोई ऐसी किताब नहीं दिखी जिसमें अंग्रेजों का थका हारा चेहरा दिखाया गया हो, पराजित चेहरा दिखाया गया हो, किसी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के गिरने का चेहरा दिखाया गया हो। वो तो सब उदित ही हो रहे हैं। और आप ऐसे, आपको चाहे साउथ अफ्रीका का देखिए, चाहे कहीं का भी देखिए, पता चला आपको सारी जगह पतन की कहानी, विध्वंस की कहानी मिल रही है। क्यों मिल रही है? वह इसीलिए मिल रही है कि आपने शुरुआत ही तो वहां से ली है। आप मानते हैं कि हम तो कुछ थे ही नहीं, वहां से वो आए तो हमारी शुरुआत हो गई, तो लीजिए शुरुआत का फल आप खाइए। फिर आप हमेशा शुरुआत को गलत तरीके से ही करेंगे। फिर तीसरा क्या है? एक ओरिएंटलिज्म। हमने एक डिस्कोर्स ऐसा क्रिएट कर दिया कि जो था या तो वो वेस्ट में बेहतर था, और हमारे पास था तो बहुत पहले था, बहुत पहले, मतलब हमारे पास वेद के पहले कुछ नहीं था। एक वेद था और फिर उसके बाद दयानंद सरस्वती आए, उसके बीच में सब खत्म है, और दयानंद सरस्वती के बाद फिर सब खत्म है, सब विकासवाद विकासवाद चल रहा है। जो एक सांस्कृतिक निरंतरता बनी हुई है उसको हमारा सोशल साइंस नहीं देख पा रहा है। क्या आप कभी ऐसा पाएंगे भारतीय समाज में कि जिन धाराओं की हम आलोचना कर रहे हैं या जिन धाराओं की हम सराहना कर रहे हैं वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएं? वह मौजूद हैं, वह अपने आप को रिवाइव कर रही हैं। अगर मैं आपको हिंदी से उदाहरण लेकर बताऊं तो हिंदी में बहुत बड़ा प्रचलित डिबेट है रामचंद्र शुक्ला और हजारी प्रसाद द्विवेदी का कि भक्ति काल क्यों पैदा हुआ। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि पराजित लोगों के बीच भक्ति का उदय नहीं हो सकता, वो तो साउथ से नेचुरल तरीके से आई है। अगर आप इसी उदाहरण को सोशल साइंस में लें तो भारतीय सोशल साइंस, इंडियन सोशल साइंस को न तो आप पुरातनपंथी कह सकते हैं, न पाश्चात्य आधुनिकतावादी। उसकी अपनी चिंतन धाराएं हैं और उन चिंतन धाराओं को समझने के लिए हमें प्रयत्न करना है। उस प्रयत्न को हम नहीं कर रहे हैं। चौथा, हमें लगातार एक बात बताई गई है और इस बात को हमने मान लिया है, और जो लोग भी इसको देख रहे हैं या बाद में भी सुनेंगे वो ये पाएंगे कि हम एक बड़ा स्लिपरी स्टेटमेंट देते हैं कि हम फला देश से 25 साल पीछे हैं, हम फला देश से 10 साल पीछे हैं। फिर आप पूछेंगे कि आप पीछे कैसे हैं, तो वो कहेंगे कि आप पीछे ऐसे हैं कि वहाँ जो 10 साल पहले रिसर्च प्रकाशित हुई थी वो आपके यहाँ अब प्रकाशित हुई है। अरे भाई, यह जो अंतराल है इसका पैमाना भी तो आपने गलत चुना है। इस पैमाने के लिए तो आपने एक ऐसा बिंदु चुना है जो बिंदु आपको पीछे की ओर ले जा रहा है। यदि प्रकाशन ही, मतलब आपकी चिंतन क्षमता का मूल्यांकन होना चाहिए या आपकी प्रकाशन क्षमता का, तो हमको लगातार यह बोध कराया जाता है कि आप पीछे हैं, आप पीछे हैं, आपका सामाजिक विज्ञान, आपकी शिक्षा। हम पीछे नहीं हैं, हम परछाई में दबे हुए हैं, हम उनको चुनौती देने का साहस नहीं उठा पाते हैं। एक और मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं, एक रिसर्चर हुए, उन्होंने एक काम किया, उन्होंने ये देखा कि जितने भी एमिनेंट रिसर्च जर्नल्स हैं उनके प्रकाशन के ट्रेंड की एनालिसिस की, और यह पाया कि वहाँ पर तो किसी और देश के रिसर्चर की जिसने कोई आलोचना की, जिसने कोई दमदार बात की, उसका शोध कार्य ही प्रकाशित नहीं होता जो उनके पैमानों पे खरा उतरे। तो जाहिर सी बात है आप पीछे ही हो जाएंगे ना, जब आपको मैं जगह ही नहीं दूंगा तो आप पीछे होते जाएंगे। अब ये जो सारा पीछे होने की बात थी, मैं इसे भारत के संदर्भ से बाहर निकल कर एक साउथ अफ्रीकन स्कॉलर के की बात के साथ कहूँ, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आपको, बात केवल भारत के साथ नहीं हो रही है, पूरी दुनिया के स्तर पर घटित हो रही है। तो उन्होंने कहा कि विकास के लिए ज्ञान का जो एक चरम पराकाष्ठा थी वह था निर्भरता के लिए ज्ञान। आपको एक, आपको दूसरों पे निर्भर बना दिया जाए। किस लिए निर्भरता? विचारों की निर्भरता, कि जब तक आप समाज शास्त्र के अध्ययन में टालकोट, पार्सन्स और बोर्ड्यू से आरंभ ना करें तो आप काम नहीं कर सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी में आरंभ ना करें तो आप काम नहीं कर सकते हैं। मीडियम की निर्भरता, आपको वहाँ लिखी किताबों को पढ़ना पड़ेगा, वहाँ के महान पब्लिशर आपके देसी संस्करण छापेंगे, कहेंगे कि विदेशों में 1000 की है, आप गरीब हैं, हम आपको बुद्धिमान बनाना चाहते तो आप 300 में ही ले लीजिए। इस तरह के मीडियम की डिपेंडेंसी। फिर स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक आपको कोई स्वतंत्र कार्य करने है, उसके द्वारा भी आप लगातार निर्भर होते जा रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि हम
चलिए स्कूल में हम आज़ाद नहीं हुए, कॉलेज में हम आज़ाद नहीं हुए, तो हम रिसर्च में आज़ाद हो जाएंगे। जब आपको फंड वर्ल्ड बैंक देगा, जब आपको फंड यूनेस्को देगा, आपके प्रोजेक्ट का मूल्यांकन ILO करेगा, तो आप कितना आज़ाद हो पाएंगे? यह भी सोचने वाली बात है, इस पर भी हम नहीं सोचते। और एकेडमिक डिपेंडेंसी, आपका जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, वर्ल्ड के जो रिप्यूटेड जर्नल्स हैं, जब उसमें आपका स्थान नहीं है, तो फिर आप कैसे क्लेम करेंगे? अब इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में हमने 2-3 विभाजन बना दिए, जिसे कहते हैं ज्ञान का विभाजन। ज्ञान के आधार पर आज दुनिया कैसे बटी हुई है, थोड़ा आप समझिए। ज्ञान के आधार पर दुनिया ऐसे बटी हुई है कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश सो कॉल्ड थियोरेटिकल नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं, जो हाईली इंटेलेक्चुअल कैटेगरी का है। भारत, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के और देश ऐसे इंटेलेक्चुअल लेबर पैदा करते हैं जो उन थियोरेटिकल नॉलेज की टेस्टिंग करके उनको जाके बताते हैं कि भाई आपने ये बात कही थी, हमने अपने यहाँ टेस्ट कर लिया, आपकी बात ठीक है या आपकी बात गलत है। दूसरा, भारत का व्यक्ति भारत की ही रिसर्च को करने में परेशान है, अपनी बातों को बताने में परेशान है, और वह बाहर से आके हमारे यहाँ रिसर्च करते हैं, हमारे ही रिसर्च असिस्टेंट्स के माध्यम से डेटा कलेक्ट करते हैं, और बाहर जाके कहते हैं कि हम भारत को बहुत अच्छे तरीके से जान गए। और मज़ेदार बात यह कि वो उसको जब जानते हैं तो उस जाने हुए को हम भी कोट करने लगते हैं। अब मैं इसका आपको व्यवहारिक उदाहरण बताता हूँ। जब मैं अपनी PhD का कार्य कर रहा था, तो जो सोशल साइंस के नेचर को लेकर मेरा काम था थोड़ा, और कैसे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है, तो जो उसमें मुझे अधिकांश ऐसे आर्टिकल मिले जिनको बहुत साइट किया गया था, बहुत कोट किया गया था, मज़ेदार बात ये थी वह किसी विदेशी संस्थान के व्यक्ति ने भारत में आंकड़े इकट्ठा करके उसको प्रकाशित करवाया था, और वही हमें ऑनलाइन उपलब्ध था, उसी के बारे में बात बार बार की जा रही थी। तो ये एक प्रकार का भी डिवाइड है कि आप अपने ही अध्ययन, अपने ही प्रदेश, अपने ही क्षेत्र में परेशान हैं, वो बाहर से आके आपका अध्ययन करके चले गए। तो इस पूरी प्रक्रिया ने क्या किया, इस पूरी प्रक्रिया ने हमारे सामने बड़े भाई की, जो मैंने बात आपके सामने शुरू में रखी थी, बड़े भाई की एक बड़ी परछाई बनाई। इस बड़ी परछाई में जो यूरोसेंट्रिक नॉलेज है, वो यूरोसेंट्रिक नॉलेज क्या है, वह एक हीरोइक नॉलेज है। हीरोइक नॉलेज मतलब कि उन्होंने साहस किया, उन्होंने यात्राएं की, उन्होंने ग्रंथ पढ़े, और अंततः एक ऐसा ज्ञान दे दिया जो हमारे पास नहीं था। फिर दूसरा है नकल मारने की प्रवृत्ति। अब उन्होंने ऐसा ज्ञान दे दिया है कि उस ज्ञान के हम पार जा ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, अब उसका हम नकल मार के अपना ज्ञान बनाएंगे और उसे हम कहेंगे कि अच्छा ये हमारा ज्ञान है। तीसरा क्या है, वो एक एक्सक्लूसिव नॉलेज हमारे लिए तैयार करेंगे जो कि सिर्फ यूरोपियन ही बना सकते हैं, हम नहीं बनाएंगे। और जब वो उसको बनाएंगे तो सारा का सारा दोष वो दूसरों के ऊपर दे देंगे कि यह प्रकार का समाज, यहाँ पर इस तरीके की बुराइयाँ हैं, बाकी हमारे समाज में तो ऐसी कोई बुराई नहीं है। और इस प्रकार से पूरे के पूरे वो एक सांस्कृतिक विमर्श को हमारे खारिज कर देते हैं, और हमको लगता है कि खारिज होना भी हमारी एक प्रकार से महानता है और हम अपने आप को महान मानते रहते हैं। कई बार तो हम ऐसा करते हैं कि उन्होंने जिस ज्ञान के सहारे हमें खारिज किया है, उसको ही हम क्यों ना कन्फर्म करके अपनी ही समस्याओं को बार बार बताते हैं। तो अभी तक मैंने आपके सामने ये 2 चित्र रखे, अब मैं एक चित्र और रख के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अब तक आपको मेरी बातों से ऐसा लग रहा होगा कि मैं लगातार आपको एक ऐसी दुनिया के बारे में बता रहा हूं जिस दुनिया में उम्मीद नहीं है। तो उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों पे कार्य भी हो रहा है, हमें उस इसीलिए एमर्ज करना है, जो मैंने टाइटल दिया इमर्जिंग फ्रॉम शैडोज, इस बड़े भाई की छवि से हमें अपने आप को आज़ाद करना है। अभी हाल में ही 2 संस्मरण इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपते हैं, आप में से काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक सोशियोलॉजिस्ट हुए योगेंद्र सिंह, वह गुजर गए, उनके ऊपर लिखा है दीपांकर गुप्ता ने इंडियन एक्सप्रेस में एक अपना संस्मरण लिखा, और हरिहर वासुदेवन कोलकाता विश्वविद्यालय में इतिहास के थे, वह भी अभी हाल में गुजर गए, उनके ऊपर प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने लिखा है। यह दोनों संदर्भ मैं क्यों ले रहा हूँ, यह दोनों संदर्भ मैं इसलिए ले रहा हूँ, एक रिसर्च के लिए ज़रूरी है और एक शिक्षण के लिए ज़रूरी है। अर्थात ये सोशल साइंस का जो डिस्कोर्स, इट्स जस्ट नॉट जस्ट अबाउट रिसर्च एंड इट्स नॉट अबाउट मेथडोलॉजी एट ऑल, इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव, इट्स अबाउट थियोरेटिकल लेंस, इट्स अबाउट थियराइजेशन ऑफ ओन कल्चर, इट्स अबाउट रिप्रेजेंटिंग एंड रेजिंग वन सेल्फ वॉइस एट द वर्ल्ड फोरम अबाउट वन सेल्फ, अबाउट आवर सेल्फ, अबाउट इंडियन कॉन्शियसनेस। एंड दिस इंडियन कॉन्शियसनेस इज नॉट जस्ट एक्सक्लूसिव,
क्या ये मार्जिलाइज करने वाली कॉन्शियसनेस नहीं है? जैसे ही आज आप इंडियन शब्द कहेंगे आपके ऊपर हमला कर दिया जाएगा। ये इंडियन, हमारा इंडियन उस गांव के सपेरे को भी शामिल करता है जिसके पास अपना एक देशज ज्ञान है, उस वैद्य को भी शामिल करता है जिसके पास अपना एक आयुर्वेदिक ज्ञान है, उस वैज्ञानिक को भी शामिल करता है जिसके पास अंतरिक्ष का भी ज्ञान है, क्योंकि उनके पास अपने कल्चर के लिए कल्चर कॉन्शियसनेस है। इस कॉन्शियसनेस को स्वीकार किए बिना कुछ नारों के चलते आप अपने आप को अलों से अलग नहीं कर सकते हैं। और अगर आप अलग, इसके पहले कि मैं उन दोनों आर्बिट्री पे जाऊं, एक बात मुझे और समझ में आई कि ये जो बड़े भाई की छाया थी, इस छाया ने हमारे साथ एक समस्या और क्रिएट कर दी है। वह समस्या भी टीचर एजुकेटर प्लेटफॉर्म पे मुझे लग रहा है इसको बताना अति आवश्यक है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ बहुत से ऐसे छात्र जुड़े हुए हैं जो अलग अलग प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। अगर आप ये देखें कि हमारे बड़े भाई ने हमारे ऊपर ऐसा आधिपत्य लगाया, ऐसा विकासवाद के नाम पर ज्ञान का हमारे साथ प्रपंच किया कि आज हम अपने देश के भीतर ही दो प्रकार के बौद्धिक वर्ग देख रहे हैं। पहला बौद्धिक वर्ग ये जो अंग्रेजी भाषा में तमाम पाश्चात्य सिद्धांतों का घोर मर्मज्ञ है और वह बिना धरातल पर उतरे भारतीय समाज की ऐसी सैद्धांतिक व्याख्याएं करता है जिसमें अकादमिक रस भरा होता है, लेकिन उसका पता नहीं क्या अंतिम लक्ष्य होता है ये समझ में नहीं आ रहा है। इसे ही शमिता शर्मा कहती हैं कि भारत में एक अकादमिक एलिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो विश्वविद्यालय वहाँ पर केंद्रित हैं, और इसका भी हिस्टोरिकल रूट है, उन स्थानों पे जहाँ पर भारत में सामाजिक विज्ञान शुरुआती वर्षों में विकसित होना शुरू हुआ और जहाँ पर सामाजिक विज्ञान के लिए वित्त उपलब्ध था, वहाँ के जो केंद्र हैं जहाँ नीति से हस्तक्षेप अधिक हो रहा है, उनका ही एक तरीके से वर्चस्व है। इसलिए जो प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर काम हो रहा है, जो वहाँ की स्थानीय भाषाओं में काम हो रहा है, उसको आप सोशल साइंस की तरह नहीं देख सकते। और अगर आप इसे नहीं देखेंगे तो आप कभी भी इस उपनिवेशवाद की परछाई से मुक्त नहीं हो पाएंगे। एक जबरदस्त इम्बैलेंस है भारतीय सोशल साइंस में, चाहे वह टीचिंग हो, चाहे वह रिसर्च हो, चाहे वह कुछ भी हो। आप पाएंगे कि आपके यहाँ ऐसे भी स्कूल हैं जो 3D मॉडल और 3D प्रोजेक्टर से प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा रहे हैं, और ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ प्लेट टेक्टोनिक को ब्लैक बोर्ड पर शुद्ध लिखने वाला शिक्षक भी नहीं है। ऐसे भी स्कूल हैं जो हिस्टोरिकल इमेजिनेशन के लिए बच्चों को म्यूजियम की यात्राएं करा रहे हैं, और जहाँ ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ फिर राजा और राजा के पिता का नाम याद करने में बच्चे की हालत खराब है। इस इम्बैलेंस के बीच में आप कहाँ से सोशल साइंस को उठाने की बात कर पाएंगे? ऐसे ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आज सुबह ही मेरी बात एक साथी शिक्षक से हो रही थी तो मैंने उन्हें कहा भी कि सोशल साइंस पॉलिसी पे अपना इन्फ्लुएंस नहीं डाल पा रहा है। पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस डालने का मतलब यह हुआ, इसको अगर मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं, जो डिसिप्लिन जिसकी रिसर्च पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है उसको स्टेट प्रमोट करता है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया 1950 से 70 के दौर में ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स आए जिसकी हमें ज़रूरत थी, जो हमारे पॉलिसी लेवल को इन्फ्लुएंस कर सकते थे। जब तक कि सोशल साइंस पॉलिसी को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा तब तक आप ये नहीं समझ सकते कि आपको स्टेट से कोई खास सपोर्ट मिलने वाला, और वो सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप लगातार रोना रोते रहेंगे। गैप्स इन सोशल साइंस रिसर्च, यह एक बहुत बड़ी समस्या है, और इससे आप सभी बहुत विधिवत परिचित हैं कि हम शोध क्यों कर रहे हैं। केवल जो एक हमारा औजार है उसी औजार को बार बार झाड़ पोछ के ठीक करने के लिए कि ये औजार अमेरिका में लगा तो भी ठीक था, ये औजार दिल्ली वाले रिसर्चर ने लगाया तो ठीक है, ये औजार चंपारण वाला लगा रहा है तो भी ठीक है, ये औजार केरल में लगेगा तो भी ठीक है, या आप उस रिसर्च से कोई मौलिक बात कहना चाहते हैं, आपके मन में कोई जुनून है, कोई सवाल है जिस सवाल के लिए आप उस बात को उठाना चाहते हैं, इन सवालों के बीच ही हमारा सोशल साइंस जूझ रहा है। और इन सवालों का उत्तर एक सरल शब्द में नहीं दिया जा सकता कि मैं आपको कह दूं कि आप यह करेंगे। इस सवाल का उत्तर जो मैंने दोनों संस्मरण बता रहा था मैं उनके आधार पर देना चाहूँगा। देखिए कितनी अच्छी बात इसमें कही गई है, बात हमें बताती है, एक मनोबल प्रदान करती है कि कैसे आप निकल सकते हैं शैडो से, वो जो बड़े भाई की छाया है। जब दीपांकर गुप्ता योगेंद्र सिंह के बारे में लिखते हैं तो वो दो महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। एक बात कहते हैं कि उनको हिस्टोरिसिटी की बहुत अच्छी समझ है, किसे? योगेंद्र सिंह को। अभी योगेंद्र सिंह कौन है मैं इस पे आ रहा हूँ, पहले ये दोनों कीवर्ड मैं आपको बता दूँ फिर उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उनका टाइटल ही है इन योगेंद्र वर्क हिस्टोरिसिटी एंड यूनिवर्सलिटी वेंट हैंड इन हैंड।
योगेंद्र सिंह जेएनयू में समाज शिक्षा विभाग की स्थापना करते हैं, उसके पहले वह राजस्थान में पढ़ाते रहते हैं और वह आज़ाद भारत की पीढ़ी के सोशल साइंटिस्ट हैं जिनकी ट्रेनिंग विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी और जिन्होंने विश्वविद्यालय में अपने डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। क्या बातें हैं, हिस्टोरिसिटी एंड यूनिवर्सलिटी। हिस्टोरिसिटी का मतलब क्या हुआ, जो भारतीय संदर्भ है, भारत में ज्ञान, सामाजिक विज्ञान के ज्ञान का विकास का इतिहास है, उसका उन्हें बोध है, उसकी सीमाओं को वह जान रहे हैं, लेकिन उसकी सीमाओं को जानते हुए वे ऐसा प्रतिकार नहीं कर रहे हैं कि मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा, नहीं, उन्हें यूनिवर्सलिटी का भी बोध है, वो ये जान किस प्रकार से हमको यूनिवर्सल और हिस्टोरिसिटी दोनों को मिला के ज्ञान का निर्माण करना है। और यही रिस्पॉन्स है, इनमें से अगर आप दोनों में से किसी एक पक्ष को आप छोड़ेंगे, चाहे आप हिस्टोरिसिटी को छोड़िए चाहे यूनिवर्सिटी को, तुरंत ही आपके ज्ञान में पुनः विचारधारा और राजनीति का समावेश हो जाएगा। यदि आप राजनीति और विचारधारा के साथ तटस्थ रहते हुए किसी महत्वपूर्ण ज्ञान की बात करना चाहते हैं तो जो योगेंद्र सिंह की परंपरा है, जो डिस्कोर्स विकसित किया गया, योगेंद्र सिंह एक प्रतीक है इंडियन सोशल साइंटिस्ट का, जो अपनी जड़ में भी पैर जमाए हुए हैं और जो विश्व के मंच पर ना तो वह विश्व को कह रहे हैं कि मैं तुमको नहीं मानने वाला और ना ही वो ये कह रहे हैं कि हम भारत को छोड़ने वाले हैं। यह जो दो की वर्ड्स हैं, इन्हें बिना ध्यान में रखते हुए आप सोशल साइंस के डिस्कोर्स को नहीं खड़ा कर सकते हैं। दूसरा, कृष्ण कुमार जी ने जो हरिहर वासुदेवन के बारे में लिखा, यह हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि सोशल साइंस की चर्चा में एक बार मेरी जो रिसर्च की गाइड हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, प्रोफेसर नमिता रंगनाथन, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि सोशल साइंस की किसी भी चर्चा को हमें पहली कक्षा से आरंभ करना चाहिए। इस चर्चा को आप पीएचडी में जाके जब बताएंगे कि चिंता का विषय है, तब तक तो वह रोग फैल चुका होगा, उसका आप कोई इलाज नहीं कर सकते हैं। हरिहर वासुदेवन का अप्रोच हमें यह बताता है कि जो एक कल्पनाशीलता है, जो समाज को देखने का नज़रिया है, जो समाज में रोज फैला हुआ आपका भूगोल है, अर्थशास्त्र है, राज्य व्यवस्था है, इसे समझने के लिए बच्चे की कल्पनाशीलता को, बच्चे की विचार शक्ति को हमें मांझने की ज़रूरत है, इसे तैयार करने की आवश्यकता है। उसके बिना हम सामाजिक विज्ञानों को नहीं खड़ा कर सकते हैं। इसलिए मैंने इन दोनों मेमोयर्स को, इन दोनों ऑबिचुरी को चुना कि मैं आपके सामने इस बात को रख सकूं कि एमर्जिंग फ्रॉम शैडो के लिए हमारे पास इसका आरंभ औपचारिक शिक्षा के पहले पायदान से होना चाहिए, जहाँ एक सोशल बीइंग हमारे पास आ रहा है विथ ऑल इट्स सोशियो कल्चरल लिगेसी, सोशियो कल्चरल नॉलेज फंड, उसको हमें सोचने की एक क्षमता देनी है, एक प्लेटफॉर्म देना है और उसे बताना है कि तुम अपने परिवेश के प्रति कैसे रिफ्लेक्टिव बने रहो, कैसे क्रिटिकल थिंकिंग करते रहो। और उसके साथ साथ जब वह विकसित होता जाता है तो हमें जो ज्ञान परंपराओं का इतिहास है उसकी सचेतता लिए हुए, उसके प्रति सचेत रहे हुए अपनी जमीनी सच्चाइयों का मूल्यांकन करना है। हमें किसी के साथ कंफर्म करने के लिए, किसी के साथ कंपीट करने के लिए नॉलेज नहीं कंस्ट्रक्ट करना है। हमारा जो जिसे कहते हैं वालरस्टीन के अगेंस्ट एक लेख छपा, उन्होंने बात कही थी कि दुनिया के सारे सामाजिक विज्ञान के अनुशासनों को मिलाकर एक कर देना चाहिए, तो कहा गया कि यह संभव नहीं है, हमें बल्कि सामाजिक विज्ञान का और अधिक क्षेत्रीयकरण कर देना चाहिए। जब तक कि आप इसका अधिक क्षेत्रीयकरण नहीं करेंगे तब तक आप ज्ञानों को मौलिक ज्ञान संरचना में स्थान नहीं दे सकते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना होगा, सार्वभौमिकता के नारे के बीच हम अपनी ऐतिहासिक समझ को, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग, हिस्टोरिसिटी को ना भूलें, अपने संदर्भानुकूलता को ना भूलें और शोध के पूरे महिमा मंडन के दौर में हम अपनी पेडागॉजी को ना भूलें, क्योंकि सोशल साइंटिस्ट बनाने के लिए जो बेसिक शुरुआत होती है वह स्कूल से होती है। हमें इस बात को भी नहीं भूलने की ज़रूरत है। आजकल दो शब्द और बहुत प्रचलित हुए हैं, आप कहीं भी गूगल करें, साथ साथ ही गूगल करके देख सकते हैं, डीकोलोनाइजेशन ऑफ द नॉलेज और इंडिजिनाइजेशन ऑफ द नॉलेज, ऐसे हम कह के बहस करते हैं। ये बहस क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है और मैं यहाँ इनका संदर्भ क्यों ले रहा हूँ? ठीक है, यह आपकी चेतना है कि आपको डीकोलोनाइज होना है। इस चेतना का तात्पर्य यह नहीं है कि आप शुरुआत करेंगे जीरो से, नहीं, आपके पास जो औजार हैं
उनके आधार पे आप अपने कल्चर को समझना चाहेंगे। जिस सभ्यता का कॉलोनियल नॉलेज के द्वारा एक व्याख्या की गई है उसकी आप रीइंटरप्रिटेशन को प्रस्तुत करेंगे, और इस रीइंटरप्रिटेशन को प्रस्तुत करते वक्त आपके पास कंसेप्चुअल क्लियरिटी, एम्पिरिकल प्योरिटी होनी चाहिए, ना कि केवल मेथोडोलॉजिकल कन्फर्मिस्ट होने का अप्रोच होना चाहिए। आप इंडिजिनाइजेशन के अप्रोच पे देखेंगे, हम कई बार अपनी लिगेसी की बात करते हैं कि ICPR के चेयरमैन अभी पहले रहे, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी जहाँ से मैंने पढ़ा है और वहाँ के संदर्भ के आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो बताते हैं कि भारत में समाजी विज्ञान के शोधों को किस तरीके से हमें एक अलग कसौटियों पे जिनका मूल्यांकन करना है, जहाँ पर हमें यह भी बताना है कि उनका नीति के साथ संदर्भ क्या होगा, उनका मूल्य के साथ क्या संदर्भ होगा, इसे बताए बिना आप कार्य नहीं कर सकते हैं। अपनी एक अकादमिक स्वायत्तता का ध्यान रखते हुए हमें सामाजिक विज्ञान के जो हर संभव डोमेन हैं वहाँ पर हमें हस्तक्षेप करना होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बीच बीच में तकनीकी संबंधी समस्याएँ आई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। था कि मैं मॉडर्निटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी से बहुत सहमति न रखते हुए बोलने जा रहा हूँ, इसलिए शायद ये समस्याएं आई हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप तक संप्रेषित हुई होगी। तो इसी के साथ धन्यवाद, आपके प्रश्न और सुझाव आमंत्रित हैं। आपका किसी का कोई प्रश्न, किसी का सुझाव हो तो आप पूछ सकते हैं, अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ इसमें हमारे कई अग्रज, कई हमारे साथी जुड़े हुए हैं। ज्ञानदेव भैया को सादर प्रणाम, शिल्पी जी हैं, सारिका जी हैं, गौरव भैया हैं, कुछ मेरे विद्यार्थी हैं, बबली मैम, सभी का धन्यवाद, आप लोगों ने मनोबल बढ़ाया। श्री सर हैं, उनका भी धन्यवाद। नीरज जी हैं, और मैं उम्मीद, सोमू सर ने मुझे ये मौका दिया इसके लिए, उनका भी हार्दिक धन्यवाद। सोमू सर, क्या मैं समाप्त करूं, फिनिश कर दूं यहाँ से?